एक भयंकर युद्ध जिसमें पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज जो वो रचना चाहते थे वो असफल हो गई कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ। एक चीज जो उन्होंने हर हाल में रोकने की कोशिश की वो था ये युद्ध, लेकिन सबसे भयंकर युद्ध हुआ और वो खुद उनके अपने परिजन आपस में लड़े और एक दूसरे को मारा। पर हम उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि इस सब के बीच वो आनंदित थे, वो अछूते थे एक भयंकर सच्चाई, एक भयंकर नाटक से जो उनके आसपास हो रहा था, पर फिर भी अछूते। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, है ना? आप दुनिया में सबसे सफल बनेंगे या नहीं ये कई सच्चाइयों पर निर्भर है, पर क्या आप एक सफल मनुष्य हैं? मतलब आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप एक जानवर बन जाएंगे? यही सवाल है। अगर ये एक सवाल आप सफलता से संभाल लेते हैं तो हम आपको भी भगवान कहेंगे। हाँ, देश के सांस्कृतिक मूल्यों में कृष्ण की इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक खेल की तरह जिया। चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनका जीवन कई तरह के हालातों से होकर गुजरा। उन्होंने बचपन से ही बहुत कठोर स्थितियां देखी। जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन से लोग उन्हें मारने की कोशिश में थे। बचपन में बहुत से लोग उन्हें मारने के लिए भेजे गए। कई वजहों से और कई बार उनकी अलौकिक शक्तियों से इन चीजों को रोका गया, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो नाचते गाते खुशी खुशी आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक इन चीजों से गुजरे, चाहे वो युद्ध में हो या अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने वाले हों। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। चाहे वो एक प्यार भरे या खुशनुमा माहौल में हो या भयानक स्थितियों में, जरूरत पड़ने पर वो कठोर हो जाते थे, मगर उस जरूरत के खत्म होते ही वो हर तरह की मुश्किल स्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उससे गुजरते थे। Unfortunately, people would like to see this as a divine quality. दुर्भाग्य से लोग इसे किसी दिव्य गुण की तरह समझते हैं। मुस्कुराना एक मानवीय गुण है, ये कोई दिव्य गुण नहीं है। जिन इंसानों ने इसे खो दिया है उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है। उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है। सिर्फ वहीं वो संभव है। इन चीजों की कभी बात नहीं की जाती। उत्तरी भारत के मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनवाए क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज नहीं बनाना चाहते थे। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसे हम जीते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, वैसे ही ध्यान करें। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक अलग तत्व की तरह नहीं बल्कि जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। विशेष रूप से देशों के शासकों के जीवन में, उन सभी देशों के जो उस समय मिलकर भारत बनाते थे, उनका मिशन था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना। तो साफ है कि उन दिनों की राजनीति लोकतांत्रिक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि सबसे जरूरी चीज है अगर शासकों तक आध्यात्म पहुंचे तो फायदा स्वाभाविक रूप से लोगों को मिलेगा। जो लोग दूसरे लोगों के जीवन को संभालते हैं, जैसे राजा या प्रधानमंत्री या आज के राष्ट्रपति या
किसी कंपनी के सीईओ, क्योंकि उनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं। जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है तो हर विचार जो आप पैदा करते हैं, हर भावना जो आप पैदा करते हैं, हर काम जो आप करते हैं, वो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छी स्थिति में हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो एक ऐसे भीतरी स्थान से आना चाहिए जो लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। अगर मैं एक सीमित नजरिए से जीवन को देखता हूँ तो हर विचार जो मैं पैदा करता हूँ, हर भावना जो मेरे अंदर है, उससे लोगों का जीवन बर्बाद होगा। वो काम जो मैं करता हूँ और विशेष रूप से वो काम जो मैं नहीं करता जो मुझे करने चाहिए, उनसे लोगों के जीवन में जबरदस्त नुकसान होगा, है ना? तो उन्होंने सिर्फ शासकों पर ध्यान दिया। वो चाहते थे कि उस समय के राजा आध्यात्मिक हो जाएं। तो एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपने बहुत से गुण दिखाए। जब वो सिर्फ 3 महीने के नवजात शिशु थे, पूर्णिमा का उत्सव आया। इन कृषि संस्कृतियों में पूर्णिमा हमेशा से एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। वैसे तो हर दिन एक उत्सव था, पूर्णिमा और भी अच्छा बहाना था। तो पूर्णिमा के उत्सव के लिए दोपहर में ही लोग नदी के किनारे चले जाते थे। सारे परिवार इकट्ठा होते थे और खाना पकाते थे। शाम को खाने के बाद नाचना गाना वगैरह होता था। सभी स्त्रियां खाना पकाने में व्यस्त होती थीं, तो बच्चों को इधर उधर किसी के साथ छोड़ दिया जाता था। ये 3 महीने का शिशु था। धूप होने के कारण माँ यशोदा ने कृष्ण को एक खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया ताकि उन्हें छाया मिले। कुछ देर वो सोते रहे, फिर जाग गए। अब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने और नाचने के लायक नहीं हुए थे, मगर वो भी वहीं होना चाहते थे। उन्होंने देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने गाड़ी के पहिए पर लात मारी और पूरी गाड़ी गिरकर टूट गई। ये उनकी अलौकिक शक्तियों का पहला प्रदर्शन था जो वो जरूरत पड़ने पर दिखाते थे, वरना वो एक आम इंसान की तरह जीवन जीते थे और इंसानी संघर्षों और तकलीफों से गुजरते थे। मगर कभी कभी वो कुछ खास गुण दिखाते थे जो इंसानी क्षमताओं से परे थे। तो गाड़ी के टूटने पर हर कोई हक्का बक्का रह गया। उन्हें लगा कि बच्चा उसके नीचे कुचल गया होगा, मगर बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। कुछ लड़कों ने वो दृश्य देखा था, उन्होंने बताया उसने गाड़ी पर लात मारी इसीलिए वो टूट गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास है, 3 महीने का बच्चा क्या गाड़ी को लात मार सकता है? तो सभी बड़ों ने कहा कि ये बच्चे लंबी चौड़ी कल्पनाएं कर रहे हैं। जब वो थोड़े से बड़े 5-6 साल के हुए तो वो अधिक ऑर्गेनाइज्ड हो गए। जब उनकी कोशिशें अधिक सुनियोजित होने लगी तो जिन लोगों का मक्खन चोरी हो रहा था वो और परेशान होने लगे। तो उनकी मां के पास और ज्यादा शिकायतें पहुंचने लगी। लगातार लोग आकर शिकायत करते थे कि अपने लड़के को घर पर रखिए, हमारा फ्रिज तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मां यशोदा ने उन्हें डांटा। उन्हें मां से निपटना आता था। वो जानते थे कि उनके डांटते ही तुरंत कैसे रोना है। उन्होंने फर्श पर पेट के बल लेटकर रोना बिलखना शुरू कर दिया और इंतजार करने लगे कि वो कब आकर चुप कराती है। वो ये भी कहते हैं कि मैं गुस्सा हुआ था, मगर बाकी लोगों की तरह नहीं। दूसरे लोगों को जब गुस्सा आता है, जैसे जब दाऊ को गुस्सा आता है, तो वो चिल्लाते हैं, अपने पैर पटकते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैं देख सकता हूं कि वो अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। मैं उस तरह गुस्सा नहीं हुआ, मैं बस उतना ही गुस्सा हुआ जितना जरूरी था।
तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण। बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुई, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से, बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूँ। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए, मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मैं, मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना। नमस्कारम दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी माय ज्ञानालय ने योग और वैदिक ज्ञान से जुड़ी सभी चीजों को एक जगह उपलब्ध करवाने के लिए myjnanalay.in नाम से वेबसाइट शुरू की है, जहां आपको सदगुरु की सभी पुस्तकों के साथ साथ अध्यात्म और योग से जुड़ी अन्य पुस्तकें भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ में बाजार में उपलब्ध पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित आपके घर, जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सामग्री भी यहां पर दी गई हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने जीवन को एक शांतिपूर्ण, तनावमुक्त एवं आनंदमय जीवन बना सकते हैं। इसलिए अभी विजिट कीजिए myjnanalay.in, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।